तीसरी जमात के प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा सलाम। बच्चों, आज का हमारा उन्वान है मानों के लिहाज से इस्म की किस्में, जो आपकी मेराज उर्दू ग्रामर किताब का सबक नंबर 9 है और सफ़ा नंबर 26 है। मानों के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? मानों के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मौरिफा और इसमें नाकिरा। इसमें मौरिफा किसे कहते हैं? इसमें मौरिफा को हम अंग्रेज़ी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी इसको हम इसमें ख़ास भी कहते हैं। वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ वगैरह का नाम हो, जैसे असलम, दहली, ताजमहल वगैरह, इसमें मौरिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। दूसरी किस्म है इसमें नाकिरा, जिसको हम अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन कहते हैं, यानी वो इस्म जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ वगैरह का नाम हो, जैसे किताब, लड़का, शहर वगैरह, इसमें नाकिरा को इसमें आम भी कहते हैं। यानी इसमें मौरिफा वो इस्म है जो हम किसी ख़ास शहर, ख़ास शख्स या ख़ास जगह का नाम लेंगे, जिस तरह से हमने असलम लिया है, यानी शहर का नाम दिल्ली लिया है, ताजमहल यानी ये एक महल का नाम है, जो एक ख़ास महल का नाम है तो हमने उसका नाम लिया है, वो इसमें मौरिफा यानी ख़ास इस्म है। उसी तरह से इसमें नकिरा, किताब, किताब तो कोई भी हो सकती है, उर्दू की किताब हो सकती है, अंग्रेज़ी की किताब हो सकती है, लेकिन हमने अगर उर्दू या अंग्रेज़ी हम साथ लिखते तो वो इसमें ख़ास बन जाता। ये सिर्फ किताब है, किताब हम किसी भी किताब को कह सकते हैं। उसी तरह से लड़का भी हम किसी भी लड़के को कह सकते हैं और शहर भी हम किसी भी शहर को कह सकते हैं। हमने शहर का नाम नहीं दिया है, इसलिए ये इसमें नकिरा बन गया, यानी आम इस्म जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नोट दिया गया है, मानों के लिहाज से इस्म की किस्मों को मिसालों के साथ अपनी कॉपी पर लिखा जाए और साथ में इसे ज़बानी भी याद किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बाकी वस्सलाम।